हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ भैया। जैसे कि आपको पता है, लास्ट एक महीने से काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे एक न्यूज वायरल हो रही है भैया, रेड मरकरी। कोई भैया ऐसे टीवी में निकाल रहा है, कोई ओल्ड वीसीआर में निकाल रहा है, कोई कहीं निकाल रहा है, कोई कहीं निकाल रहा है। कोई बोल रहा है कि भैया इसका वेपन में यूज होता है, कोई बोल रहा है इसका भैया कोरोना वायरस के यूज में हो रहा है, अगड़म झगड़म फलाना ढिमकाना। तो फाइनली भैया दैनिक भास्कर ने इसके ऊपर सर्च करी, रिसर्च निकाली इसके बारे में, और फाइनली सभी जो क्वेश्चन है तो उनके विराम चिन्ह लगा दिया है अपनी सर्च में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या उसमें पोस्ट किया गया है और क्या बताया गया है। तो सारी ही डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा भैया, सारा फंडा आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। रेड मर्करी को लेके कोई भी डाउट आई हो इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में नहीं रहने वाला है, तो इसके लिए बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें, शुरू से लेकर तक वीडियो जरूर देखें। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आज की। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से वीडियो को लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ध्यान से, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे मैं आपके लिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहा हूँ। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं और चलते हैं दैनिक भास्कर की साइट पे। तो दोस्तों यहाँ पर आओ, इसके पेज पे आपको बताया गया, स्टार्टिंग में लिखा हुआ रहा है कि व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे पुराने टीवी रेडियो में लगने वाली रेड मर्करी ट्यूब की तस्वीर, इसमें बम बनाने और देश से गद्दारी के झूठे दावे किए जा रहे हैं। आगे हम पढ़ते थे कि दो झूठे दावे, फेक जो फोटो आ रहा है वो दिखाया गया इसमें। क्या हो रहा है वायरल? सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पुराने टेलीविजन के अंदर मौजूद एक मर्करी ट्यूब का उपयोग परमाणु बम बनाने में से हो सकता है। दावे के साथ लाल रंग की ट्यूब की एक फोटो भी शेयर की जा रही है। मैसेज में लोगों से अपील की जा रही है कि अगर कोई आपकी टीवी महंगे दाम में खरीद रहा है तो पैसों के लालच में आके देश से गद्दारी ना करे। ये पोस्ट पिछले एक महीने से सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। भास्कर की फैक्ट चेक हेल्पलाइन पर भी ये क्वेश्चन आया था और आगे लिखा गया है कि और सच क्या है। इंटरनेट पर हमने ऐसी रिसर्च रिपोर्ट खंगालनी शुरू की जिसमें पुराने टेलीविजन के अंदर पाई जाने वाली इस ट्यूब से बम बनाए जाने वाले दावे की पुष्टि होती है। हमें ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली। लाल मरकरी से परमाणु बम बनाए जाने वाले दावे में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो ग्रिड्स विषयों पर शोध कर रहे डॉक्टर उज्जवल कुमार के संपर्क किया। वर्तमान में वे मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएटिव प्रोफेसर हैं। डॉक्टर उज्जवल के अनुसार अपने अनुभव में ऐसा कभी नहीं देखा कि टेलीविजन के किसी भी पार्ट का अन्य काम में उपयोग किया जा सके। परमाणु बम बनाना तो बहुत दूर की बात है, साफ के लिख रखा है इसके अंदर, बहुत दूर की बात है परमाणु बम बनाना तो बहुत दूर की बात है। और बात कर रहे हैं फोटो में दिखाई जाने वाली ट्यूब जिसमें सोशल मीडिया पर मरकरी बताई जा रही है, तो ये एक डायोड ट्रायोड बल्ब है जिसमें लिखा है 1970-1980 तक ट्रांजिस्टर के आविष्कार से पहले रेडियो और टेलीविजन में डायोड और ट्रायोड बल्ब का ही इस्तेमाल किया जाता था। आज के दौर में इतना आउटडेटेड है कि इसे के बारे में इंजीनियरिंग के छात्रों को भी नहीं पढ़ाया जाता है। ट्रायोड डायोड के नाम पर वैक्यूम ट्यूब का परमाणु बम से कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों उन्होंने अपनी न्यूज के अंदर बताया सफा के कोई भी भैया संबंध नहीं है, ऐसा लेना देना कि कोई बोला इससे कुछ बनता है कुछ बनता है, भैया कुछ भी नहीं बनता, ये आउटडेटेड है। एक ट्रायोड और ड्रायोड होते थे जो कि बल्ब होते थे वैक्यूम, उस टाइम पे यूज होते थे 1970 के आसपास 80 के बीच में यूज होते थे, अब काफी ही आउटडेटेड हो चुके हैं। तो पता नहीं कहां से ये एकदम न्यूज वायरल होने लगी कि भैया ये इलीगल है, ये है फलाना ढिमकाना, ऐसे बेगो की तो दारी होगी, अगड़म झगड़म बगड़म, ये चीज से बात चली है। तो सारी ही बातें फेंक है, आपने देख सकता है दैनिक भास्कर ने अपनी साइट पर सफा बताया, और मैं इसका न्यूज का लिंक पेज का आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहीं आके भी साइट पे आके चेक कर सकते हैं आप ये न्यूज। तो गाइस इसके ऊपर वीडियो थी, मैंने आयोग बताया कि आपके जो दिमाग में कुछ डाउट चल रहे हैं वो क्लियर हो जाए कि भाई क्या है इलीगल है अगड़म झगड़म जो भी बातचीत थी। तो दैनिक भास्कर के अनुसार जो भी न्यूज थी मैंने आप तक पहुंचाई है, तो ये सारी कुल मिला के इसको बात थी जो कि चल रही थी मार्केट में लेके। तो आई होप आपके जो दिमाग में काफी डाउट होंगे इसे लेके वो क्लियर हुए होंगे, वही मेरा काम था आपके डाउट क्लियर करना, इसलिए मैंने थोड़ी खंगाली न्यूज सर्च करी, काफी सर्च करी, तो ये जो मेरे सामने आई है मैंने सब तक आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। तो गाइस इसके ऊपर वीडियो थी, आई होप वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, और मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा उसके लिए स्टे ट्यून रहिए, आगे भी मैं मोटिवेटेड मिलता रहेगा आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को, तो ध्यान से सब्सक्राइब जरूर करिए। तो गाइस इसके ऊपर वीडियो थी, मिलते हैं ऐसी अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, और जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और घरों में रहिए। बाय।